दोस्तों ये चावल है, तो चावल इसको चाल लेती हूँ। इसमें का खंडा निकालना है दोस्तों, इस तरीके से इसे चालूंगी। तो दोस्तों ये चावल हैं, मतलब ज़्यादा महंगे वाले चावल नहीं हैं दोस्तों। दोस्तों ये चावल जो है जो निकलेगा यहाँ ठंडा, तो इसको धुल के अच्छे से, और दोस्तों जो है जो मतलब सुखाए के धुल के सुखाए के इसको मतलब चक्की से पिसवा लूँगी, तो कोई रेसिपी बनाने में काम आ जाएगा दोस्तों। ये चावल आप लोग देख सकते हैं कितने अच्छे हैं, और थोड़ा जो है मतलब खंडा निकलता है इसमें दोस्तों। और जो महंगे वाले चावल होते हैं वो मतलब छोटे छोटे होते हैं, और ये चावल आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से हैं। तो ये चावल हम चाल लेती हूँ, अब इसे चालूंगी, तो ये जो है छेद बने हुए हैं, तो खंडा निकल जाएगा। तो दोस्तों रात में हम कोई रेसिपी नहीं बना पाए, लाइट नहीं थी, तो ये इतना करा है, दो चक्कर चाली है ये। और दोस्तों इसमें गंदगी कोई नहीं है, तो चाल चाली के आप लोग देख लीजिए चावल कितना प्यारा है। और बाकी जो है ज़्यादा महंगा वाला चावल नहीं है, फिर भी जो है अच्छा चावल है। तो इसमें हम नाई देती हूँ ग्राम में। तो दोस्तों इसी तरीके से चावल में इसे छान लूँगी, और बीच बीच में आप लोगों को दिखाती रहूँगी मैं। दोस्तों मैं इतने चावल चाल ली हूँ, आप लोग देख सकते हैं इतना ड्राम खाली रह गया है। हम सोचे कि आप लोगों को दिखा देती हूँ, बीच बीच में बोले थे कि बीच बीच में दिखाऊँगी। तो इसी तरीके से मैं पूरा ड्राम फुल कर लेती हूँ। दोस्तों ये चावल हम चाल लिए हैं, ड्राम भर गया है, आप लोग देख सकते हैं। हल्के से और तसला में रख के इनको देखना पड़ता है, और बाकी बिल्कुल साफ़ है दोस्तों चावल, आप लोग देख सकते हैं एकदम से अच्छे। फिर भी जो है देखना पड़ता है मतलब खाना बनाते समय। और ये इतने मतलब इसमें दोस्तों ड्राम में आते हैं 40 किलो चावल, तो मैं 50 किलो चावल लाई थी, तो जो है ये 10 किलो चावल मतलब बच गए हैं, तो इसमें रख ली हूँ भगोने में। ये पहले ख़त्म हो जाएंगे, उसके बाद ये ड्राम के जो है खाए जाएंगे। और ये इतने चावल में इतना सारा खंडा निकल गया है, आप लोग देख सकते हैं। ये अभी ये इतना बाकी है चावल बस लास्ट, और ये बोरी खाली इसी में लाए थे। हाँ चावल ये भी चाल ली हूँ मैं, सारे चावल जो है खुल गए हैं, चाल ली हूँ। और ये जो है इसको दोस्तों धुल के और सुखा लूँगी। तो अभी चावल चाल ली हूँ, एक काम और बाकी है दोस्तों। तो दोस्तों आटा इतना महंगा है, आप लोग ये बोरी दुकान पे जा के पूछ सकते हैं कितने की मिलती है। तो दोस्तों जो है दुकान से एक एक किलो लाना, दो दो किलो लाना जो है बहुत जो है अच्छा नहीं लगता है, तो ये बोरी ले आई थी। तो दोस्तों ये आटा भी भर लेती हूँ ड्राम में। कैसे इसको हल्का दाब दूंगी तो आटा जो है नीचे बैठ जाएगा। और दोस्तों ये बोरी गेहूँ आप लोग देख सकते हैं कितने प्यारे प्यारे बने हैं, इसमें बहुत प्यारे लगते हैं गेहूँ।
तो ये बोरी आप लोग दुकान पे जाके मालूम कर सकते हैं कि कितने की मिलती है। इस समय दोस्तों बहुत महंगा सब है। तो आटा हम पलट लिए हैं।